another vlog. I'm very excited today because I'm going to decorate my first ever Christmas tree. And मैंने पहली बार Christmas tree खरीदी है, उसको decorate करना है. सब कुछ मैं आपको vlog में बताऊंगी. Also, this vlog is quite special because I am filming this vlog with my new camera. ये थोड़ा सा अलग setup है, तो कोई भी गलती हो जाएगी तो माफ कर देना because this is quite new for me. यहाँ पे मैं खुद को देख सकती हूँ, यहाँ पे आप लोग मुझे देख सकते हो. So अगर मेरी नजर इधर उधर हो जाए तो प्लीज माफ कर देना. एंड ऑल्सो दिस इज क्वाइट हैवी. लाइक फोन तो बहुत हल्का होता है, आप उसको फ्लिप कर सकते हो, बट दिस इज क्वाइट हैवी, तो थोड़ा सा अभी मुझे आदत डालने में टाइम लगेगा. एंड एज यू कैन सी हियर कि मैं किस तरीके से शूट कर रही हूँ, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये फ्लिप तो नहीं होगा, बट अभी मेरे रूम की, इस स्टूडियो की हालत बहुत ज्यादा मेसी है. इतनी सारी चीजें फैली है, नायका के पार्सल, H&M से जो शॉपिंग की है वो, और जो फ्लावर के डेकोरेशन थे वो सारी चीजें से फैली हुई है. बट मुझे इसको थोड़ा सा व्लॉगमस थीम का करना है, तो उसके लिए पहले रूम को क्लीन करना पड़ेगा, फर्नीचर्स को मूव करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो मेरा थोड़ा सा हाथ यू नो शेक हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी मुझे धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेंगी. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना. बट आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है. लेट्स क्लीन द रूम, बट लेट मी शो यू गाइज द मेस फर्स्ट. यहाँ पे हम लगाने वाले हैं अपना क्रिसमस ट्री. एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू रिक्रिएट दोस पिंटरेस्टी पिक्चर्स जिसमें इतने सुंदर सुंदर क्रिसमस ट्री होते हैं. एंड इतना खर्चा किया तो थोड़ी मेहनत भी करूंगी. ये जो आप रैक देख रहे हो, यहाँ पे कपड़े टंगे हुए हैं, ये हम हटाएंगे बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत सारा स्पेस चाहिए. एंड यही में मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो इसको हम रिमूव करेंगे, मतलब हटा के कहीं और रखेंगे. एंड दिस वैनिटी टू, तो ये बहुत ही हैवी फर्नीचर है, इसको हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो ये जो पूरा कॉर्नर है ना, ये पूरा हटाना है यहाँ से जितनी भी चीजें हैं. यही पे हमारा बड़ा सा क्रिसमस ट्री होगा. एंड लिटरली मेरा क्रिसमस ट्री 8 फीट का है, विच विल बी लाइक दिस मच. तो काफी बड़ा लंबा चौड़ा क्रिसमस ट्री होगा, उसके आगे पिक्चर्स एंड वीडियोस काफी अच्छी बनेंगी. सो जल्दी से ये सारी चीजें हटाते हैं, पूरा मेस क्लीन करते हैं, देन आई विल ओपन माई क्रिसमस ट्री. As you can see, मैंने सारी चीजें यहाँ से हटा दी हैं. Now I need to clean this corner. अभी यहाँ पे बहुत सारा dust and pollution है, but ये पूरा clean करके then I will set up my Christmas tree here. By the way, अगर आपको जानना है कि मैंने Christmas tree कहाँ से लिया है, जितने भी ornaments है वो मैंने कहाँ से लिया है, तो उसके लिए आपको मेरा vlog देखना पड़ेगा जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो वो व्लॉग जाके चेकआउट कर लेना. अगर आप दिल्ली में रहते हो एंड यू वॉन्ट टू बाय सम अफोर्डेबल क्रिसमस ट्री, आपको उस वीडियो से पूरा आइडिया लग जाने वाला है. बट Now let's unbox the Christmas tree. तो ये रही हमारी क्रिसमस ट्री. इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है, I'm just curious कि जब मुझे इसे दोबारा पैक करना पड़ेगा तो मैं कैसे करूंगी. बट लेट्स अनबॉक्स इट. आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से एंड कॉम्पैक्ट तरीके से इसको पैक किया गया है. बट अब अनबॉक्स करेंगे एंड इसको जल्दी से डेकोरेट करेंगे. सो किसी भी वीडियो का सबसे फन पार्ट होता है उस वीडियो में जो अनबॉक्सिंग होती है. सो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पहली बार की उन अंकल ने इतने अच्छे से पैक करके दिया था, सो आई एम लाइक क्यूरियस कि इसको मैं कैसे पैक करूंगी. बट लेट्स ओपन इट. ये बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कलर का ट्री है. So beautiful and so satisfying. इतने अच्छे से पैक किया गया, like एक एक जो ये लीफ है ना उसको पैक किया गया. एंड यू जस्ट हैव टू रिमूव द प्लास्टिक, एंड प्लास्टिक को रिमूव करते ही ऐसे खिल जा रहा है. Guys told me कि इसको तभी पेजेस का कसना है जब ये पूरा सेट हो जाएगा. सो लेट मी सेट दिस. एंड इसमें बहुत मेहनत भी लगने वाली है क्योंकि एक एक लीफ को पकड़ पकड़ के आपको ऐसे घुमाना है ताकि ये पूरा फ्लावर का प्लांट का शेप ले ले. बाद हमारा क्रिसमस ट्री सेटअप हो चुका है. एंड अगर आपने मेरा व्लॉग दिखा होगा पहले वाला जहाँ भी मैं गई थी लेने के लिए कि कहाँ क्रिसमस ट्री मिल रहा है, तो मैंने ऑर्नामेंट्स भी लिए थे, मैंने हॉल भी बनाया था.
So I have a lot of ornaments जो कि Christmas tree पे use होते हैं and हम अब इसको decorate करने वाले हैं. I have a lot of them and मेरा जो theme है ना वो थोड़ा golden and थोड़ा colorful type का theme है. तो ये पूरा colorful है and इसमें white, golden, rose gold वगैरह है, सब कुछ ये decorate करेंगे and ये सारे balls मैं इस पे लगाने वाली हूँ. देखते हैं कि इस पूरा decorate करने के बाद ये कैसा लगता है. और ये बेल्स मैं सिर्फ आगे लगाऊंगी बिकॉज पूरा लुक आगे का ही है. तो इसको ओपन करके जल्दी से बेल्स लगाते हैं, फिर सेंटा क्लॉज भी लगाएंगे एंड जब ये पूरा लग जाएगा तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है. आई एम वेरी एक्साइटेड बट लुक एट दीज बेल्स, बहुत ही प्यारी है. इस तो भी क्रिसमस ट्री बना हुआ है एंड जैसा कि मैंने बोला था पूरा गोल्डन ग्रीन का थीम होगा. तो जैसे आप देख सकते हो कि ये सारी गोल्डन चीजें हैं एंड ये भी गोल्डन है. तो जब पूरा लग जाएगा ये लाइट्स ऑन होंगी तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है. Turned out, I really like it. जैसा मैंने Pinterest पे देखा था वैसा ही है. I love everything about it. And इसमें आपको बहुत सारी Vlogmas series की videos देखने को मिलेंगी. Vlogs तो आपको देखने को मिलेंगे ही, haul videos भी देखने को मिलेंगी. तो अगर आपने ये vlog enjoy किया है, आपको ये पूरा Christmas tree decoration vlog अच्छा लगा है तो please video को like जरूर कर देना, channel को subscribe कर देना and इस Vlogmas series में बने रहना. एक से बढ़ के एक videos मिलने वाली है आपको and yeah, this is going to be really fun and holiday season. So see you guys in my next video. Tab tak ke liye bye and take care.